हेलो फ्रेंड्स, द रिवर्स गैलरी में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद वेदांत के ज्ञाता और विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु व हिंदू संत थे। उनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष सप्तमी पौष पूर्णिमा के सातवें दिन अर्थात 4 फरवरी 2021 को उनकी 158वीं जयंती रामकृष्ण मठों व स्वामी जी से जुड़े संस्थानों में मनाई जाएगी। इस दिन हर साल प्रार्थना सभा, हवन, भजन, क्विज प्रतियोगिता एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्वामी जी का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील और माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिमा थी। माता पिता की धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत सोच ने नरेंद्र के विचार और व्यक्तित्व को आकार दिया। ईश्वर कौन है? क्या किसी ने उन्हें देखा है? ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा ने उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कराई। रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें वेद, ध्यान, अध्यात्म का मार्ग दिखाया। नरेंद्र ने अपना जीवन गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र ने सन 1886 में बारानगर मठ कलकत्ता की स्थापना की और 25 वर्ष की अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण किया तथा पूरे भारत उपमहाद्वीप का दौरा किया। उसी दौरान राजस्थान के शेखावटी अंचल स्थित खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने नरेंद्रनाथ को विवेकानंद का नाम दिया था। सन 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व धर्म संसद ने उन्होंने देश के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से संबोधन कर हमारे देश के अध्यात्म और जीवन दर्शन के दृष्टिकोण का सभी से परिचय कराया। उनके व्यक्तित्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। विवेकानंद ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद ना हो और वेदांत के सिद्धांतों को उन्होंने इसी रूप में रखा था। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की। स्वामी जी देश की उन्नति चाहे आर्थिक हो या आध्यात्मिक में शिक्षा की मुख्य भूमिका मानते थे। उनका मानना था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो चरित्र निर्माण, मनोबल व बुद्धि का विकास करे और व्यक्ति को स्वावलंबी तथा समाज कल्याण के लिए प्रेरित करे। उन्होंने जीवन पर्यंत लोक कल्याण व भारत के गौरव को विश्व में स्थापित करने का प्रयास किया और 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में महासमाधि दे दी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी उनके मूल्यों की शिक्षा व प्रचार प्रसार करता है और भिन्न भिन्न सामाजिक कल्याण व बाढ़, भूकंप आदि आपदा के समय में मदद का कार्य करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी को आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि दी थी। भारत सरकार ने 1984 में स्वामी जी के सम्मान में उनके जन्मदिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। स्वामी जी के विचारों को अपने व्यवहार व जीवन में अमल कर देश और समाज के लिए कुछ करना स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। भाई स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद।